मूर्ति भेद विभागि में व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अनाथ शांति प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए हम जो है ये दो वादी भिड़े हुए हैं। एक है शौत्रार्थी बौद्ध के चार भाग विभाजन है, एक शौत्रार्थी वैभाषिक के साथ क्षणिक विज्ञान का योगाचार्य होता है इसको। तो ये लोग जो है भिड़े हुए हैं, क्या भिड़े हुए, वो बोलते हैं, एक वादी बोलते हैं कि बाहरी वस्तु का अस्तित्व है, उसमें से एक बात बाहरी वस्तु की अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मानते हैं और एक बात अनुमान प्रमाण के द्वारा मानते हैं। बाहरी वस्तु का अस्तित्व है, उसके पीछे हेतु क्या दिया, हेतु दिया क्योंकि ज्ञान में भिन्नता है, तो घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान इसके लिए ज्ञेय वस्तु उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए ज्ञेय में यदि भिन्नता नहीं है तो ज्ञान में भिन्नता कैसे होगी। इसलिए एक कारण, दूसरी बात क्या है कि बाहरी वस्तु से हमें सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, यदि बाहरी वस्तु होता ही नहीं तो सुख दुख कहाँ से होती, इसलिए भी उसको मानना पड़ेगा। ऐसा जो है पूर्ववादी कहने पर, मतलब बाह्य अस्तित्ववादी ऐसा कहने पर, तो विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं ठीक है तुमने बोला प्रज्ञप्ति स्वनिमित्त, मतलब ज्ञान विज्ञान जो है कोई ना कोई निमित्त को लेकर के होता है, इसीलिए युक्तिपूर्वक विचार करने से क्या क्या युक्तिपूर्वक विचार किया हमने कि ज्ञान में भिन्नता के कारण ज्ञेय वस्तु है, इसलिए ज्ञेय भिन्नता अलग अलग ज्ञेय वस्तु बाहर होना चाहिए, ऐसा आपने तो दिया। हम भी कहते हैं ये जो निमित्त तुमको लगता है कि जिससे ज्ञान में भिन्नता होता है वो निमित्त निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है, भूत दर्शन, यदि तुम उसको ठीक से देखने सकोगे, अथवा अभूत दर्शन तुमने ठीक से नहीं देखा इसलिए तुमको रज्जु सर्प दिखाई पड़ रहे, परंतु नित्य हो सर्प है ही नहीं, सर्प है नो ज्ञान सत्य नहीं है। ज्ञान में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार एक ही रज्जु अधिष्ठान में जलधारा माला दंड सर्प कितना विकल्प कर लेते हैं, है क्या वहाँ पे एक ही, क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई किसी के अंदर सर्प बुद्धि उत्पन्न हो रहा है, किसी के अंदर माला बुद्धि, किसी के अंदर एक अलग अलग भेद बुद्धि उत्पन्न हो रहा है, क्या वहाँ पर अलग अलग वस्तु है, केवल मतलब मन की संस्कार विज्ञान में बैठे हुए हैं ये अलग अलग कल्पना करने के लिए। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बाहरी वस्तु में वो अलग अलग होता है, अलग ज्ञान अलग ज्ञान, वो तो केवल मतलब कल्पना से संस्कार से तुम ऐसा मान लेते हो, तुम ऐसा मान लेते हो, ज्ञान में भिन्नता में संभव ही नहीं है ऐसा। इसलिए तुम यदि यथार्थ ठीक ठीक देखोगे तो एक ही वस्तु होगा, अधिष्ठान एक ही वस्तु होगा, ये अभी हमने कल हम लोग इसके ऊपर टीका पढ़ रहे थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस मतलब 225 पेज में जो ये बोले थे, कथम भूत दर्शना परमार्थ दर्शना दीदी ये तरह, कैसे आप बोल रहे हो कि वहाँ पे निमित्त नहीं है, तो दैनिक यथार्थ दर्शन होने पर मतलब तो पारमार्थिक वस्तु वहाँ पे क्या ये देखने पर तुमको जो है पता नहीं लगेगा, वहाँ पे अलग अलग ज्ञान नहीं है, वस्तु नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। तो ये तो बोलते हैं कि जो परमार्थ दर्शन प्रपंच परमार्थ दर्शन क्या है उसी को विस्तार से कह रहे हैं। इसके ऊपर 6 नंबर टिप्पणी था, परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन क्या है, पर्यालोचन विचार है ना, बार बार देख करके विचार करके तब निर्णय जब करोगे तब आपको अनेक वस्तु नहीं दिखाई देगा, एक ही वस्तु दिखाई देगा। ये अब जहाँ पे क्या बोलते हैं कि
नहीं घट जथा भूत मृत रूप दर्शन सति तद व्यतिरेक अस्ति। घराना में कोई वस्तु मतलब मृतिका के बने हुए कितने भी उपकरण है उस अलग अलग नाम रूप होने पर भी मृतिका के छोड़ कर वो कभी नहीं रह सकता है ना। उसके उसके उसको यानी कि यदि आपको वो जो अलग अलग नाम रूप अलग अलग ये ग्लास है ये प्लेट है ये थाली है ये जो अलग अलग ज्ञान हो रहा है आपको उस सारा ज्ञान एक जगह में समझ जाएगा क्या ये मृतिका ही है। मृतिका ही देव सत्य इसीलिए ये भूत दर्शन जो भी आपको होता है तो आप क्या हो जाएगा ये अलग अलग नाम रूप पर दिखाई दे रहा है ये नहीं आएगा आपको एक वस्तु ज्ञान हो जाएगा। अच्छा अब उसके व्यतिरिक्त स्थान तो क्या दिया जथा अश्वात महिष ठीक है ना। हमें बोलते हैं तत्र वैधर्म दृष्टान्त इस विषय में व्यतिरिक्त दृष्टान्त को दिया। इस प्रकार घर मतलब घोड़ा और भैंस अलग अलग दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार मृतिका से घरा को आप घड़ा को आप मृतिका से अलग करके नहीं देख सकते हैं। घड़ा को आप मृतिका से अलग करके नहीं देख सकते हैं यानी व्यतिरिक्त दृष्टान्त दिया। आप क्या बोलते हैं घटे दर्शितम न्याय पटे अपि दर्शयति ठीक है ना। घट में जिस न्याय को युक्ति को दिखाया उसको पट में भी वही युक्ति को दिखा रहे हैं। मतलब जिस प्रकार घट को यदि आप मृतिका दृष्टि से देखना सीखोगे तो अब क्या हो जाएगा अनेक घट नहीं रह जाएगा एक मृतिका ही रह जाएगा। कि किसी प्रकार जितने भी कपड़ा हो वो कपड़ा को यदि आप तंतु दृष्टि से देखना सीखोगे तो कपड़ा नहीं रह जाएगा तंतु ही रह जाएगा अनेक कपड़े नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं घटे दर्शितम न्याय पटे अपि दर्शय। यहाँ पे क्या प्रतीक दिया हुआ है एक लाइन मिसिंग है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ उसी उसी को ठीक करने के लिए वहाँ पे प्रतीक क्या दिया हुआ है घटे दर्शितम न्याय पटे अपि दर्शयति। इसको आगे क्या लिखेंगे इत्येवम वो वहाँ पे नहीं होगा उसको काट करके लिखे पटोवा। ऊपर देखिए पटोवा दिखाई दे रहा पटोवा तंतु व्यतिरेक फिफ्थ लाइन फोर्थ लाइन वर्षों में राइट हैंड कॉर्नर तो वो प्रतीक वहाँ पे होगा क्योंकि घटे दर्शित न्यायो पटे अपि दर्शयति। आप गूगल में से जो भी पुस्तक है जिनके पास कनेक्ट करना चाहते हैं उसको कनेक्ट कर लेना सर्वनिमा तो वहाँ पे जो घट वहाँ पे क्या बोलता है घटे दर्शित न्यायो पटे अपि दर्शयति। घट में जो युक्ति को दिखाया गया है उसको पट में भी दिखाना चाहते हैं भगवान वासु का इसीलिए वहाँ पे प्रतीक होगा पट होगा ठीक है। फिर आगे एक लाइन लिखिए वो पटोवा प्रतीक के बाद आप वहाँ पे एक लाइन आपने को लिखना पड़ेगा नीचे तंतुषु अपि न्याय साम्य उदाहरति वहाँ लिखना पड़ेगा पट्टिका के लाइन ठीक नीचे ही लिखिए ठीक है लिखा है आपको पुस्तक में पुराने पुस्तक में जिसके पास होगा तो तंतुषु अपि न्याय साम्य उदाहरति आपका पुस्तक में लिखा है समझिए नीचे लिखा है ना ये तंतुष्वपि न्याय साम्य उदाहरति मतलब तंतुओं में भी यही युक्ति को उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं ठीक है। आप यहाँ पे प्रतीक होगा तंतवश्च तंतव इति वहाँ पे प्रतीक क्या होगा तंतव मतलब लेफ्ट फिफ्थ लाइन लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो पहला शब्द है तंतव वहाँ पे देखिए भाष्य में फिफ्थ लाइन में जो पहला पंक्ति शब्द है तंतव प्रतीक है वहाँ पे मिला। तो आप पहले हो गया इति एवं इति वो काट करके वहाँ पे होगा पटोवा ठीक है। इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा तंतुषु अपि न्याय साम्य उदाहरति पर ही क्या लिखा है तंतुषु अपि न्याय साम्य उदाहरति। हाँ वहाँ पे प्रतीक आ जाएगा तंतुश्च अंशु व्यतिरेकेण तंतुवा हाँ यहाँ पे आप प्रतीक में लिखिए पटोवा होगी इत्येवम जो लिखा हुआ है उसके स्थान में आपने वो पटोवा तंतु व्यतिरेक न उसको लिखिए वो प्रतीक आएगा वहाँ पे। हाँ फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा तंतुष्वपि न्याय साम्यम उदाहरति यहाँ पे प्रतीक आएगा तंतवश्च फिफ्थ लाइन लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखिए भाष्य में। हाँ फिर आगे और लिखना पड़ेगा परमार्थ दर्शन फल उपसंहरति इसके बाद आएगा इत्येव उसके बाद आएगा परमार्थ दर्शन फल उपसंहरति
एक ये भी देखना पड़ेगा, परमार्थ दर्शन परम एक पथ है ये, है ना, उसको उपसंहार करते हैं। परमार्थ दर्शन फलम उपसंहार के ऊपर एक 7 नंबर टिप्पणी लगेगी, फलम के ऊपर एक 7 नंबर टिप्पणी भी आएगी, ठीक है। तंतुषु अपि न्याय साम्यम उदाहरति तंतवश्यंशु व्यतिरेकेन ममापि। फिर परमार्थ दर्शन फल उपसंहरति, अब यहाँ पे आएगा इत्येवम् उत्तमम्, यहाँ पे आएगा वो प्रतीक, ठीक है। इत्येवम् उत्तर उत्तर भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय युगता नैव निमित्तम् उपलभामहे इति अर्थ भाष्यकारी को। इस प्रकार से आप यदि कार्य को कारण में लय करते जाएंगे, क्या करना है, कार्य को कारण में लय करते जाएंगे, लय करते करते आपको एक जगह पे आएगा जहाँ पे मूल कारण जिसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होगा, जिसके लिए कोई शब्द प्रयोग, वो दृष्टि से आप देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा कि इस प्रकार रज्जु दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पे जलधारा भूषित माला दंड किसी भी प्रकार की बुद्धि उत्पन्न नहीं हो, तब एक ही बुद्धि उत्पन्न। इसीलिए बाहरी वस्तु अलग अलग बुद्धि उत्पत्ति के लिए कारण नहीं है, आपका दर्शन ठीक नहीं है इसीलिए आप अलग अलग कर मान लिया। यहाँ पे 7 नंबर टिप्पणी जो है ना वहाँ पे कि परमार्थ दर्शन फलम उपसंहर के फलम के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे असत रूप घटा दे वैचित्र अप्रयोजक निश्चय रूपम, फलम फलम क्या हो गया परमार्थ दर्शन, जब आप ठीक ठीक देखना सीखेंगे तब क्या हो जाएगा असत रूप घटा दे, जो वास्तविक घटा भी है नहीं वहाँ पे, सर्प भूषित माला दंड आपका और कुछ भी वहाँ जलधारा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए असत रूप को जो घटा भी है उसी प्रकार से जागृत काल में घट पर मर दिखाई पर वो भी वैचित्र अप्रयोजकता वो आपका बुद्धि में विचित्रता को उत्पन्न, असत वस्तु कैसे उत्पन्न करेगा विचित्रता, इसलिए बाहर वस्तु नहीं है मर दी का दिमाग में बैठ हुआ है, बाहर तो रज्जू पड़ा हुआ है सर्प कहाँ दिमाग में है, इसीलिए बाहरी वस्तु आप इसका उत्तर वेदांति देंगे और बाह्य वस्तु से बिल्कुल नहीं मानता, वेदांति बाह्य बिल्कुल नहीं है ये नहीं मानते हैं, व्यवहारिक रूप में मानते हैं, सभी जगह अलग अलग बुद्धि उत्पन्न होती है। अस्यत रूप घटा दे वैचित्र अप्रयोजकत्व निश्चय रूप, मतलब वैचित्र में हेतु नहीं बनता, इस प्रकार यही उसका फल है निश्चय रूपम फलम परमार्थ दर्शन फलम, ठीक है। असत रूप घटा दे वैचित्र अप्रयोजकत्व निश्चय रूप, निश्चय रूपम परमार्थ दर्शन फलम प्रसंग, परमार्थ दर्शन का ये फल है, क्या फल है कि बाहरी वस्तु जो हमारे ज्ञान में विचित्र उत्पन्न नहीं कर, असत वस्तु है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ पे देख रहे चीन पड़ा हुआ है उत्पन्न नहीं कर, इस प्रकार ठीक है। ये संशोधन के साथ इस प्रकार आएगा ये लाइन, हम तो ठीक है ठीक नीचे लिख लेंगे इसको, ठीक ठीक है नीचे तंतुषु अपि न्याय साम्यम् उदाहरति तंतव इत्यादि परमार्थ दर्शन फलम् उपसंहरति इत्येवम्। अच्छा आप इसी को हमारे आनंद के लिए समझा रहे हैं, ठीक है ना, इत्येवम् जो भाष्य का लिखा ना उत्तर उत्तर भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय विरह नहीं बनने में तम प्रधान जब तक जहाँ पे यहाँ पे जाकर क्या कुछ शब्द प्रत्यय नहीं होता, मतलब कोई एक वस्तु है ही अनुभव में आता है बस वही एक वस्तु सारा संसार में छाए हुए है, सारा संसार में छाए हुए है, वो आपके ज्ञान में विचित्रता होती है, एक ही वस्तु है विचित्रता कैसे उत्पन्न करेगा, अगर स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अब जब भाष्यकार लिखते टीकाकार लिखते हैं घटा देना स्व कारण व्यतिरेक असताम, है ना, घटा देना षष्ठी बहुवचन है तो असताम ये भी षष्ठी बहुवचन, मतलब विद्यमान नहीं है इस प्रकार की वस्तुओं का है, तो शास्त्र क्या बोलता है सर्व खलु इदम ब्रह्म पुरुष एव इदम विश्वम आत्मैव इदम विश्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम, सारा एक ही वस्तु है, ही दिखा एक ही तत्व है वहाँ पे, नहीं है भिन्नता नहीं है वहाँ पे, इसीलिए घटादीनाम स्व कारण व्यतिरेकेन असताम न प्रत्यय वैचित्र हेतुत्वम, इसलिए घट आदि वस्तु जो अपने कारण से छोड़कर कारण को छोड़कर के जिनकी कोई विद्यमानता ही नहीं है ये हमारी प्रत्यय की विचित्रता में हेतु नहीं बन सकते, न प्रत्यय वैचित्र हेतु उत्तम, अत घटादि प्रत्ययवत प्रत्ययंतरानी अभी जिस प्रकार घट वर्तमान इसी प्रकार अन्य दोष किसी भी वस्तु की संबंध में प्रत्यय उत्पन्न हो रहा है जहाँ पे वृत्ति निरोध हो जाएगा वो सत्य है,
ना पे वृत्ति उठे सत्य वस्तु नहीं है। इसीलिए कि घटादि प्रत्ययवत् प्रत्ययान्तराणि अपि प्रत्ययत्व अविशेषात् अनुमात्र करना प्रत्ययान्तराणि अपि प्रत्ययत्व अविशेषात् वास्तव आलम्बन वर्जितानि मंतव्यानि है ना। तब क्या होगा देखिए, आप यदि इसको ऐसा पढ़ेंगे कि प्रत्ययान्तराणि वास्तव आलम्बन वर्जितानि मंतव्यानि प्रत्ययत्व अविशेषा घट प्रत्ययवत् नहीं ऐसा नहीं। ये जो अन्य कोई भी प्रत्यय, ये जो जिस प्रकार अभी हमने दृष्टांत के द्वारा क्या देखा, जैसे घट प्रत्यय तो पट प्रत्यय, जिस प्रकार आप तंतु दृष्टि से देखेंगे अथवा मृष्टि का दृष्टि से घट प्रत्यय नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार किसी भी वस्तु संबंधी जो प्रत्यय उत्पन्न हो इसको पक्ष बना दिया गया प्रत्यय अंतराणि अभी ये प्रत्यय अंतर में हो गया पक्ष। जिस किसी भी वस्तु संबंधी जो भी कोई वृत्ति मन में उठ रहा है तो वहाँ पे बोलते हैं कि वास्तव आलम्बन वर्जिता नहीं मंतव्य नहीं, उसका कोई वास्तव आलम्बन नहीं है, वो वस्तु वास्तव नहीं है, वो वस्तु आलम वास्तव नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। क्यों? प्रत्ययत्व अविशेष प्रत्ययत्वात् प्रत्ययत्वा घट प्रत्ययवत् ठीक है। तो प्रत्यय अंतराणि वास्तव आलम्बन वर्जितानि प्रत्ययत्वा घट प्रत्ययवत् यहाँ से अथवा यदि वो अनुमान लिखने की शैली तो वही है, अर्थ तो क्या हो गया घटादि प्रत्ययवत्। ये जो दृष्टांत को पहले दे दिया, दृष्टांत को पहले दे दिया घटादि प्रत्यय के समान प्रत्ययंतराणि अभी अन्य किसी भी विषय संबंधित जो भी कोई वृत्ति उठते हैं मन में, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हिमालय नदी कुछ भी प्रत्यय उठ रहा है प्रत्ययंतराणि अभी प्रत्यय प्रत्ययत्व अविशेषादि हेतु दे दिया घट ये दृष्टांत ये हेतु ठीक है। ये प्रत्ययत्व मतलब प्रत्ययत्वात् हेतु हो गया वास्तव आलम्बन वर्जितानि मंतव्यानि मतलब घट नामक कोई वस्तु आलम्बन करके उत्पन्न हुआ ऐसे नहीं है। वास्तव आलम्बन के मतलब घट कोई घट एक वास्तविक आलम्बन है ये मनुष्य रहित है वास्तव वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक तो आलम्बन है अधिष्ठान तो है उसको नहीं बोल घट घट नामक जो आलम्बन आपको उत्पन्न हो रहा है वो आलम्बन वहाँ पे नहीं है वो आलम्बन ऐसे हम बोलते हैं कि वास्तव नहीं तो आपसे घबरा जाएंगे यहाँ पे जैसे कि अधिष्ठान को निषेध कर रहे हैं अधिष्ठान को निषेध नहीं करे घट ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो आलम्बन घट है वो वहाँ पे वास्तविक नहीं है। घट पट ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो पट नामक वस्तु सामने आलम्बन रूप में दिखाई पड़े वो वास्तविक वहाँ पे नहीं है ये ठीक है ना। स्वप्न दृष्टान्त में ही समझ में आ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि घटादि प्रत्ययवत् हो गया दृष्टान्त, प्रत्ययंतराणि ये हो गया पक्ष, और प्रत्ययत्व अविशेषण ये हो गया हेतु, और सात्व हो गया वास्तव आलम्बन वर्जितानि मंतव्य माने मंत्र समझना चाहिए एक ही अर्थ ठीक है ना। ये मतलब इसी पंक्ति के लिखने की शैली को देखिए है ना कि ये सारा न्याय के शब्द में लिखते हैं आप आराम से इसको समझ जाएंगे यहाँ पे लिखने का शैली ऐसा है। पक्ष ये हो गया ना प्रत्ययंतराणि प्रत्ययंतराणि भिन्न भिन्न जो अलग अलग प्रत्यय उत्पन्न होता है वो सारा प्रत्यय क्या होता है कि वास्तव आलम्बन वर्जितानि घट प्रत्यय उत्पन्न हुआ तो घट नामक वास्तव प्रत्यय नहीं है, पट प्रत्यय उत्पन्न हुआ पट नामक वास्तव वस्तु अभी नहीं है, हिमालय प्रत्यय उत्पन्न हुआ हिमालय नामक वास्तव वस्तु अभी नहीं है, ये हो गया साध ठीक है। और क्या दिया ये क्या दिया हेतु क्या दिया प्रत्यय वृत्ति होने के कारण घटादि प्रत्ययवत्। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये मन समझना चाहिए। आनंद गिरिजी ने भाष्यकार को उस पंक्ति को अर्थ कर दिया कौन सा मत कि जो एक उत्तर उत्तर भूत दर्शनात् आशब्द प्रत्यय निरोधात् नैव निमित्त उपलभामहे, हम बाहरी कोई वास्तविक निमित्त हम उपलब्धि नहीं होता इति अर्थ। भूत दर्शनम ज्योक्तिकम तत्व दर्शनम है ना, मतलब क्या हो गया भूत दर्शन मतलब क्या होगा भूत दर्शनात् मतलब आपने बोला कि युक्ति के द्वारा ये प्राप्त होता है तो क्या बोल के क्या था स्थिरी भवता तुम तो अपनी युक्ति में स्थिर हो जाओ हम तुमको युक्ति दिखाते हैं क्या सूक्ष्म युक्ति दिया कि तुम आओ थोड़ा गहराई दृष्टि से देखना सीखो ठीक है। तुम युक्तिपूर्वक देखना चाहते हो तो थोड़ा गहरी युक्ति दो इसलिए आप बोलते हैं
भूत दर्शनम योक्तिकम तत्व दर्शनम, युक्ति पूर्वक तत्व को देखना, योक्तिकम तत्व दर्शनम, तो युक्ति का आधार पर है और युक्ति के आधार से इसको बोलते हैं विवेक, इसी को बोलते हैं विवेक, युक्ति पूर्वक तत्व को दर्शन करना। तत्व निमित्त अनिमित्तम इति व्याख्यातम, जब इस प्रकार युक्ति पूर्वक तत्व दर्शन करना सीखोगे तब क्या हो जाएगा, निमित्त अनिमित्त हो जाएगा, अब जो है वहाँ पे फाइल भगवान भाष्यकार भूत दर्शन को लेकर के व्याख्या किए थे। अब क्या है, अभूत दर्शन, अभूत दर्शन, ये जो है वेदांति की शैली ये है कि आप दोनों प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं ना, अर्थ लगाते समय आपको थोड़ा सा विचार में थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इदानी अभूत दर्शन पदक्षेपेन व्याख्यानंतर आह, अब भगवान भाष्यकार है पहले तो भूत दर्शन करके पदच्छेद किए थे, अब अभूत दर्शन करके पदच्छेद करके दिखाते हैं। ये कितना साल पहले काल कथा लिखे गए थे, जो उनके मन में उस समय अभद्र प्रयोग का शैली नहीं थी। तो भगवान भाष्यकार दोनों प्रकार से अर्थ होता है, दोनों प्रकार से कैसा अर्थ निकलेगा, तो यहाँ भी होते हैं। तो वही तो बात है कि देखो कितना साल पहले ब्रह्म सूत्र को लिखा, कौन ब्रह्म सूत्र किस उपनिषद वाक्य के ऊपर आया हुआ है उसको करेक्ट करना और वो किस प्रकरण में आया तब अनुकूल उसका अर्थ निकालना सामान्य काम नहीं है। लेकिन कितना साल पहले सूत्र लिखा गया है, वो सूत्र किस श्रुति वाक्य के आधार पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है एक एक अधिकरण में, तो बाद में आया, बाद में विद्वान लोगों ने इसको किया, मतलब विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष निर्फल ये पांच अवयव लेकर के एक अधिकरण होता है, ये अधिकरण बाकी तुम्हारे समय सरल हो भगवान भाष्कर के समय। इसीलिए हम भगवान भाष्कर दोनों प्रकार से अर्थ करते हैं, यदि मान लीजिए इसको आप भूत दर्शन करेंगे तब इसका ही अर्थ होगा, इसको अभूत दर्शन लेंगे तब इसका अर्थ हो सकता है। इदानीम अभूत दर्शन यदि पदच्छेद देना व्याख्यानंतर एक पद पदच्छेद को ऐसा करके अब एक दुख दूसरा व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्कर, अथवा अभूत दर्शना बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते, आप ठीक से नहीं देखा इसीलिए आपको अलग अलग बुद्धि उत्पन्न हो रहा है, अभूत दर्शना इसीलिए बाहरी अर्थ निमित्त नहीं है, आपको ठीक से नहीं देखना निमित्त है, बताइए ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे। आपको जब रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई पड़ते हैं अथवा मतलब सुक्ति में चांदी दिखाई पड़ते हैं तो वो सुक्ति निमित्त तो नहीं है, हम ठीक से नहीं देखा वो निमित्त तो बन जाता है। ऐसे भी आप बोलते हैं कि इदानीं तो अथवा अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते, ठीक से नहीं देखने के कारण ही हमें भिन्न रूप में प्रतीति होते हैं, अलग अलग व्यक्ति उठते हैं, परंतु बाहरी बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् बाहरी विषय उसके लिए निमित्त नहीं बनता, ये हमारी अभिप्राय है। क्योंकि हमारे पास जो बाहरी विषय है वो एक ही वस्तु है, वो है सदैव सम्मिलितम् अभ्यासितम् भवति, है ना, नहीं तो क्योंकि देखना छांदों को परिषद में सर्वम खलु इदम् ब्रह्म है ना, उसकी व्याख्यान में भाष्यकार लिखते हैं वहाँ पे सर्वम खलु इदम् ब्रह्म षष्ठे व्याख्या, ये कैसे है, तज्जलान् शान्ते उपासित सर्वम खलु इदम् ब्रह्म तज्जलान् शान्ते उपासित, ऐसा व्याख्या है वो कैसे है, वो षष्ठ अध्याय में व्याख्या करूँगा अपने बोलते हैं वहाँ पे तृतीय अध्याय की इस बात की व्याख्या इसका स्पष्टीकरण द्वितीय जो है षष्ठ अध्याय में मिलेगा। बोलते हैं कि अथवा ये हो गया आप यथा उसको सुदृष्टान यथा रज्जादो अधिष्ठान सर्पादि आरोपित दर्शन न तस्य वस्तुनो दर्शन प्रत्यय आलोकनत्वम् इष्टम्, ठीक है ना, भगवान भक्तवर कहे रज्जादो इव सर्पादे इति अर्थ, मतलब भ्रांति स्थल को दृष्टान्त रूप में ले लिया, वेदांत तो यही भ्रांति स्थल को दृष्टान्त लेते हैं। तब यहाँ पे बोलते हैं आनंद बिंदु उसके लिए जैसे रज्ज्वादो अधिष्ठाने
रज्जु भी अधिष्ठान में सर्वादेह आरोपित सर्प जलधारा भूषित माला दंड जितना भी आरोपित वस्त्र है उसका दर्शन दिखाई देने के कारण न तस्य वस्तु न दर्शन उस प्रकार के सर्प भूषित जलधारा माला दंड इस प्रकार वस्तु के दर्शन प्रत्यय आलम्बन तमिष्ठम वो आपका सर्वबुद्धि का आलम्बन नहीं बन सकता है मोहित वस्तु है ही नहीं तो पूरा जगत में तत्व को निश्चय करने में आपको कोई शंका ही नहीं रह जाएगा निश्चय हो जाएगा यहाँ क्योंकि शास्त्र बोल रहे एकमात्र ब्रह्म अथवा आत्मा छोड़कर कुछ भी नहीं है हमें अलग अलग दिखाई देगा क्यों हमें ठीक से नहीं देख पा रहे हमारे ज्ञान चर्म चक्षु से देखते हैं वासना चक्षु से देखते हैं ज्ञान चक्षु से नहीं देखते हैं है ना हम वासना चक्षु से देखते हैं विवेक दृष्टि से नहीं देखते ये कारण से नहीं दिखाई पड़ता जैसे रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्पादेह आरोपित जो आरोपित सर्पादी है सर्प भुजित दर्पणा माला दंड कुछ भी है उसका एक नंबर टिप्पणी में न तो परमार्थ से अभिप्राय वहां पे आरोपित वस्तु है परमार्थ नहीं है वहां पे एक नंबर टिप्पणी है ना उस प्रकार दिखाई दे रहे हैं दर्शन न तस्य वस्तु न उस प्रकार उस वस्तु का दर्शन जो दिखाई दे रहा है प्रत्यय आलम्बन अनुष्ठान और जो दिखाई दे रहा है उस आपात संबंध जो वृत्ति उठा है वो उसका आलम्बन है ऐसा अष्ट नहीं करिए अष्ट नहीं है हमारा है नहीं वहाँ पे वस्तु इसलिए बोलते हैं कि दस्य वस्तु न उस वस्तु का कौन वस्तु का जो बुद्धि उत्पन्न है आपकी सर्व भूषित्र दर्धरा माला कुछ भी आपको बुद्धि उत्पन्न उसका उस दस्य वस्तु न दर्शन उस वस्तु का देखना सर्व बुद्धि उत्पन्न की आलम्बन बना ऐसा नहीं है वस्तु न वस्तुता जिसको आपके प्रत्यय उत्पन्न हो रहा है बुद्धि में उस वस्तु को आपका बुद्धि मतलब सर्प प्रत्यय उत्पन्न करने के लिए मतलब सर्प आलम्बन नहीं है ना इसीलिए यहाँ पे वस्तु तो पारमार्थिक मतलब सर्प नहीं है ना इसके पहले आपका वस्तु न वस्तु तो एक साथ आया था शुरू में लेके दो बार आया थे तो उस प्रकार की वस्तु का पारमार्थिक वहाँ पे नहीं है दर्शन प्रत्यय आलम्बन को प्रत्यय की आलम्बन हमारा इष्ट नहीं है क्योंकि वस्तु वहाँ पे है नहीं दो नंबर टिप्पणी देखिए वो क्या होता है प्रत्यय आलम्बनत्म प्रत्यय आलम्बन स्व विषयक ज्ञाने वैचित्र संपादकत्म अपने स्व विषय ज्ञान में जिस वस्तु संबंधित ज्ञान आपको उत्पन्न हो रहा है उस वस्तु संबंधित ज्ञान उत्पन्न करने के लिए वो वस्तु वहाँ का आलम्बन है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये बोलते हैं आपके स्व विषयक ज्ञाने है ना अपने विषय स्व ज्ञान अधिष्ठान सदैव एकमात्र प्रत्यय आलम्बन न इष्टम अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा के ज्ञान की अपेक्षा से आपको वो ज्ञान होता है वो वहां पे नहीं है वस्तु इसलिए हम जो है बाहरी वस्तु की ज्ञान के लिए आलम्बन चाहिए ये कथन आपका सही नहीं है इस अभिप्राय से बोल रहे तो यहाँ पे तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया परमार्थत अदर्शना बाह्यस्य अर्थस्य ज्ञानम प्रत्यय आलम्बनम
भ्रांति विषय प्रज्ञा स्वरपादिव इति आह, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ही तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया, मतलब किसी एक अधिष्ठान की ज्ञान की मुख्य अधिष्ठान की अपेक्षया परमार्थ परमार्थ किसी को देखना चाहिए वो तुमने नहीं अदर्शना अभूत दर्शना परमार्थ अभूत दर्शन परमार्थ अदर्शना है ना। सही वस्तु को नहीं देखने के कारण इसे होता है कि तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया परमार्थ अदर्शना, मूल अधिष्ठान की अपेक्षा से नहीं देखने के कारण परमार्थिक दर्शन नहीं हुआ। इस फल से बाह्यस्य अर्थस्य ज्ञान प्रति आलम्बन, इसलिए बाहरी वस्तु ज्ञान के प्रति आलम्बन है ये भ्रांति विषय था। तो भ्रांति का विषय होने के कारण दृष्टान्त तो क्या गया रज्जाम स्वर्पादिव, इस प्रकार रज्ज में सर्पबुद्धि उत्पन्न हो जाता है। सर्प में सर्पबुद्धि उत्पन्न होता है तो सर्पबुद्धि उत्पन्न के लिए सर्प ज्ञान आलम्बन है तो मान सकते हैं, अब है नहीं वस्तु वहाँ पे आपने दुष्ट को देख करके दुष्ट चित्त उत्पन्न कर लिए है यहाँ पे केवल मात्र असंग पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन तत्व। तो दृष्टान्त दृष्टान्त में इतना भिन्नता है, क्या भिन्नता है, जो भी दृष्टान्त वेदांत देते हैं वहाँ पे अधिष्ठान दिखाई पड़ता है, परंतु यहाँ पे अधिष्ठान जो है ज्ञान का विषय नहीं बनता है अनुभव ही बनता है। इसी गाने बोलते हैं कि तीन नंबर टिप्पणी अधिष्ठान रूप ज्ञान व्यतिरेक नहीं है ना, अथवा अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा मतलब अधिष्ठान रूप ज्ञान व्यतिरेक नहीं किया, अधिष्ठान रूप ज्ञान से भिन्न करके जब आप नहीं देखेंगे जब अधिष्ठान दृष्टि हो गया परमार्थ दर्शन उसके अभाव है अदर्शन परमार्थ रूप से नहीं देखने के कारण अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा मतलब अधिष्ठान रूप ज्ञान व्यतिरेक है ना, अधिष्ठान रूप ज्ञान से भिन्न करके आप इसलिए परमार्थ अदर्शन पारमार्थिक दृष्टि से आप नहीं देख पा रहे, फल तो बाह्य स्वार्थ ज्ञान प्रति आलम बाहरी विषय ज्ञान के प्रति आलम्बन है ना, ये भ्रांति विषय भ्रांति के भ्रांति विषय। इस प्रकार लज्जुआ सर्पादि लज्जु में जैसे सर्पादि की तरह भिन्न भिन्न वस्तु दिखाई ज्ञानम प्रत्यालम्बनम जो है उसमें एक लाइन मिसिंग है पुराना की तरफ देखेंगे ज्ञानम प्रति आलम्बन देखेंगे प्रत्यय तो सर्पादि आरभ्य दर्शन अपना कश्य वस्तु न दर्शन प्रति आलम्बन इष्टम। तीन नंबर टिप्पण प्रत्यय आलम्बन स्व विषय ज्ञान वैचित्र संपादक हाँ किंच एक लाइन तो मिसिंग टीका में हाँ टीका में प्रति आता है भ्रांति थी। तो यहाँ पे जो पहले अपने दृष्टांत यहाँ पे क्या बोला यथा राज्यादो अधिष्ठान सर्पादि आरोपित दर्शन ठीक है उसका आगे आलम्बनत्म इष्टम। फिर नेक्स्ट लाइन में है तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया परमार्थ दर्शनात् बाह्य दर्शनात् बाह्यार्थस्य ज्ञान प्रति आलम्बन क्रांति विषय परमार्थ आदर्शनात् बाह्यार्थस्य ज्ञान प्रति बाह्यार्थस्य ज्ञान प्रति आलम्बनत्वम् आलम्बनत्वम् वास्तव वास्तव अभ्युपगन्तुम् अशक्यम् ये लाइन लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा प्रत्यालम्बन का बाद से लिखना पड़ेगा हाँ ज्ञानम प्रति आलम्बनम इसके बाद से यह हमारी टीका है वास्तव तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया परमार्थ तो अदर्शनात् परमार्थ तो लेकिन परमार्थ तो यहाँ पे हमारे पुरानी पुस्तक में अवग्रहण नहीं है, पुरानी पुस्तक में परमार्थ तो अदर्शन होना चाहिए यहाँ पे तो अग्रहण ठीक लिखा है अवग्रह है कहाँ हमारे पुस्तक अवग्रह परमार्थ तो अदर्शनात् बाह्यस्य अर्थस्य परमार्थ अदर्शनात् फिर क्या लिखा बाह्यस्य अर्थस्य ज्ञानम ज्ञानम प्रति आलम्बनम यहाँ तक ज्ञानम प्रति आलम्बनत्व है ज्ञानम प्रति आलम्बनम है यहाँ आलम्बनत्व
महाराज जी की हमें पुराण को आगे से चलाया नहीं ये लाइन है। हाँ ठीक है, वो तो ज्ञान प्रति आलम्बनतम, इसलिए मैं आज्ञा देने के गुरु जी पुस्तक भी ले जाता हूँ। आलम्बनतम ठीक, क्या बोला ज्ञान प्रति आलम्बनतम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम है, वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम वास्तवम अभ्युपगंतुम गंतुम अभ्युपगंतुम मतलब अशक्यम शक्यम अशक्यम अशक्यम इति अर्थः अशक्यम किञ्च मिथ्यार्थः 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 देन स्टॉप दाढ़ी मिथ्यार्थ विशर्ग है तो हमें एक पंक्ति ऐसा हो जाएगा। रुकिए रुकिए, हाँ पहले इसको पूरा कर लेते हैं। परमार्थ परमार्थ अदर्शनाम बाह्यस्य अर्थस्य ज्ञानम प्रति आलम्बनतम वास्तवम अभ्युपगन्तुम अशक्यम इति अर्थ, ये यहाँ पे एक पार हुआ ठीक है। आगे बोलते हैं तो अशक्य कर, फिर आगे एक अनुमान दे, वहाँ पे पूर्ण विराम हो गया ठीक है ना। अनुमान दे रहा है, अनुमान में देखिए किंच विमतो बाह्य अर्थ ठीक है ना, ये पक्ष है विमतः बाह्य अर्थ विमतो बाह्य अर्थ, ये पक्ष हो गया विमतो बाह्य अर्थ हो गया। हम क्यों आगे नौ आ रहे ना, नौ तत्त न तत्त ज्ञानम प्रति आलम्बनम, यहाँ पे ज्ञानम प्रति आलम्बनम ये आ गया वहाँ पे हाँ ये ज्ञानम प्रति प्रत्यालम्बनम जो है इसके बाद क्या है ज्ञानम प्रत्यालम्बनम आलम्बनम ज्ञानम प्रति आलम्बनम भ्रांति विषयत्वात् भ्रांति विषयत्वात् रज्जाम सर्पादिवत् वो जो है वहाँ पे दृष्टांत दिया हुआ है भ्रांति विषयत्व तो ठीक है वहाँ पे भ्रांति विषयत्वात् रज्जाम सर्पादिवत् ठीक है ना। विमतो बाह्यार्थ न तत्त ज्ञान प्रति आलम्बन भ्रांति विषयत्वात् रज्जाम सर्पादिवत् इति आहो, इस रज्जाम सर्पादिवत् इति आहो तब आके होते भ्रांति प्रति का है वहाँ पे भ्रांति दर्शन अभावे आत्म व्यतिरिक्त बाह्यार्थ उपलभ्यते है, वो जो भ्रांति है ना भाष्य में नए सुषुप्त समाहित तो मुख का नाम भ्रांति दर्शन मत प्रति का नहीं ऊपर है ना, भ्रांति दर्शन ऊपर है क्रांति दर्शन विषयत्व फर्स्ट टाइम में है क्रांति दर्शन विषयत्व ठीक है वहीं का गया। तो क्या लिखा आप बताइए उस पंक्ति को पढ़िए टीका की पंक्ति को वहाँ से उसको पहले अदस्य से लिखने तो ठीक हो जाता ठीक है। आप यदि उसको आलम्बन तब यहाँ रखेंगे तो उसको आगे आगे से लिखिए ज्ञानम को ज्ञानम प्रति आलम्बनत्वम आलम्बनत्वम वास्तवम अभ्युपगन्तुम असत्य असत्यमिति अर्थः इति अर्थः किञ्च विमतः किञ्च किञ्च विमतः बाह्यर्थः न तत्त्वतः ज्ञानं प्रत्यालम्बनम् भ्रांति विषयत्वात् रज्ज्वा रज्ज्वां सर्पादि वदति प्रत्यक्षावत्पित्यः ये ठीक है। अब इसका अर्थ को समझिए, अभी ये तो अनुमान दे दिया, अनुमान जो ऊपर से अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं है, जो बोल करके आया लिखने की शैली ऐसा अनुमान के रूप में है कि भाषा में लिख रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
कि पहले लाइन समझ में है ना, तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया परमार्थत्व दर्शन, अधिष्ठान ज्ञान की अपेक्षा से जो पारमार्थिक दर्शन है उसको नहीं देखने के कारण बाह्यार्थस्य ज्ञानं प्रति आलम्बनन्तम्। बाह्यार्थ ज्ञान के प्रति आलम्बन है, वास्तवम अनभ्युपगन्तुम् वास्तवम अभ्युपगन्तुम् अशक्यम्, वो पारमार्थिक है ऐसा नहीं कह सकता, अशक्यम 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 मतलब हम उसको बोलना संभव नहीं है, अशक्यम इति अर्थे इसका विक्रय करते हैं। आप क्या बोलते हैं किंच, देखो मतलब किंच मतलब इसी को ही हम एक अनुमान के रूप में विमा तो बाह्यार्थ विवादास्पद जो बाहरी विषय है उसको लेकर किस करके विवाद हो रहा है, बाह्य विषय कोई कहता है कोई कहता नहीं है, इसीलिए विवादास्पद जो बाहरी अर्थ है न तत्व ज्ञान को हेतु क्या दिया था, ज्ञान के प्रति आलम्बन होने के कारण पारमार्थिक होना चाहिए, तो बोलता है कि न तत्व ज्ञान प्रति आलम्बन, ज्ञान के प्रति आलम्बन हो नहीं सकता, न तत्व ज्ञान प्रति आलम्बन भ्रांति का विषय होने के कारण दृष्टांत कहते रज्जम सर्प दिव रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प जलधारा भूषित्र माला दंड आदि के समान, ठीक है। यहाँ पे देखिए विवादास्पद जो बाहरी विषय है हो गया पक्ष, ठीक है ना, वो शब्द क्या हो गया न तत्त्व ज्ञान प्रति आलम्बनम, वो ज्ञान के प्रति आलम्बन पारमार्थिक दृष्टि नहीं हो सकता, क्यों भ्रांति विषय तो विवादास्पद भ्रांति का विषय होने के कारण दृष्टांत तो क्या दिया रज्जु के ऊपर सर्प के समान। अब देखिए दृष्टांत में आपका हेतु और शब्द दोनों बैठना चाहिए, आपका अनुमान सही है कि सिद्धांत अनुमान है, इसे आपको समझना पड़ेगा। सिद्धांत अनुमान में बोलता है रज्जम सर्पाधिपत रज्जु में दिखाई दे रहा है सर्प के समान, वो भ्रांतिक विषय है कि नहीं है, हेतु बैठ जाएगा वहाँ पे, हेतु बैठ जाएगा वहाँ पे। अब शब्द क्या है न तत्त्व ज्ञान प्रति आलम्बन, सर्प ज्ञान के प्रति वो सर्प आलम्बन नहीं है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प सर्प ज्ञान के प्रति आलम्बन वहाँ सर्प है ही नहीं, आलम्बन नहीं हो सकता। अब जो है इसीलिए तो आपका दृष्टांत में हेतु और शब्द बैठ गया। आप बाहरी विषय को लेकर बोलते बाहरी विषय में आपको क्या है कि वो भ्रांति विषय हेतु है, वो बाहरी विषय भी भ्रांति का विषय है, क्यों, क्योंकि बाहरी विषय इसलिए वो तत्त्व ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं बन सकता, ये बात नहीं बन सकती हमारे को, बाहरी विषय भी भ्रांति को इस कैसे बोलते हैं श्रुति बोलती है कि बाहर क्या वस्तु है केवल मात्र ब्रह्म ही है, केवल मात्र आत्मा ही है, केवल पूर्ण तत्व है, बाहरी वस्तु नहीं है, श्रुति के आधार पर ये अनुमान करती है। इसलिए बाह्यार्थ विपक्ष है न तत्त्व ज्ञानम प्रत्यालम्बन, ये पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं बन सकता, क्यों भ्रांति दर्शन के विषय होने के कारण, भ्रांति विषय मतलब भ्रांत दर्शन के विषय होने के कारण है ना, ठीक से नहीं दिखा पड़ा, जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई देता है, रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई पड़ता है, भ्रांति दर्शन का विषय है, इसलिए बोलते भाग की देखो पर बोल रहे भगवान भ्रांति दर्शन विषयत्वा, ये भ्रांति दर्शन मतलब भ्रांति दर्शन विषयत्वा, हेतु में क्या दिया भ्रांति विषयत्वा, ठीक है ना, भाष्यकार कहाँ से लाया भाष्यकार के पद से भ्रांति दर्शन विषयत्वा च, इस कारण से निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत्, निमित्त अनिमित्त हो जाएगा। तीन नंबर टिप्पणी, हाँ तीन नंबर टिप्पणी अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा, तीन अधिष्ठान रूप ज्ञान व्यतिरेक है ना, महाराज तीन को पहले का ऊपर से लगना पड़ेगा, वो तीन नहीं है, वो जो वैचित्र संपादकत्वम उसके बाद तीन होगा, वैचित्र संपाद दो दो दोनों पर टिप्पणी का जो है ना प्रत्यय आलम्बनत्वम इष्टम, हाँ उसके बाद तीन नंबर अधिक अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा उधर लगाना पड़ेगा, उधर तीन लगाना, इसको अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा था सही, अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा मतलब उसी का अर्थ कर दिया, ठीक है, मतलब उसी उसी को वहां पे तीन लगा करके अधिष्ठान ज्ञान व्यतिरेक के वहां पे तीन ना को वहां पे लगाना पड़ेगा, यहां काट देना पड़ेगा, अधिष्ठान का ही ज्ञान हो रहा है और किसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान में विचित्रता बहुत उसमें
अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ का दर्शन, क्योंकि यदि अधिष्ठान ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान होगा तब आपका क्या हो जाएगा, सर्पादी नहीं दिखाई देगा, एक ही प्रत्यय अधिष्ठान के लिए अलग अलग प्रत्यय नहीं होता, इसे भी पैसे बोलने। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा अधिष्ठान ज्ञान व्यतिरिक नहीं किया अभानात मतलब यदि अधिष्ठान नहीं होगा तो भ्रांति भी नहीं होगी, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है, इसलिए एक अधिष्ठान मात्र है और बाकी वस्तु मात्र नहीं। तद अभावे अभानात मतलब अधिष्ठान अभावे भ्रांत वस्तु न अभानात होना नहीं होगा। इसलिए हेतु साथ है, यदि हेतु को दिखा रहे हैं, हेतु को सिद्ध कर, हेतु क्या है वहाँ पे, भ्रांति दर्शन विषय भ्रांति दर्शन की अभाव हो जाए तब आपको प्रत्यय में वैचित्र नहीं होगा। हेतु क्या दिया आपका, भ्रांति दर्शन विषयत्व, भ्रांति दर्शन विषयत्व, ठीक है ना। तो भ्रांति दर्शन का यदि अभाव हो जाता है तो प्रत्यय में वैचित्रता भी नहीं आएगा। इसलिए तद अभावे मतलब भ्रांति दर्शन अभावे अभाना प्रत्यय वैचित्र अभाना, ठीक है, एक अर्थ कर लेंगे। जैसे आप है कि हेतु साथ, यदि हेतु सिद्ध करके देखा जाए तब हमें जहाँ पे दो जगह दो आपका प्रणाम आ जाएगा तो हम समान करते करना है, तब तब से कह लेंगे भ्रांति भ्रांति दर्शन अभावे अभाना प्रत्यय वैचित्र अभाना, क्योंकि भ्रांति दर्शन के कारण भी प्रत्यय में विचित्रता दिखाई पड़ता है। अब आगे और बोलते हैं देह अभिव्यक्ति का है नहीं, अच्छा हाँ, भ्रांति अभावे बाह्यार्थ न भाति, ये बोला ना, तद अभावे अभाव भ्रांति दर्शन अभावे बाहरस्थ नहीं रहता, भ्रांति अभावे बाह्यार्थ न भाति अभाना, इसका अर्थ हो गया, इसका तद अभावे अभानात का अर्थ हो गया कि भ्रांति अभावे बाह्यार्थ न भाति भी उत्तम है। तो ये हेतु ने कहा उसको प्रबंध चाहिए, उसको विस्तार से कहते हैं, उसी को समझा रहे, ऐसा समझ में वो जो भाष्य में लिखा है तद अभावे अभाना, इसका अर्थ लिखा कर दिया क्या, भ्रांति अभावे बाह्यार्थ अभाना तो प्रत्यय वैचित्र अभाना उत्तम ये जो कहा ना हेतु प्रपंच यदि हेतु को विस्तार से करते क्या नहीं सुषुप्त समाहित मुक्ता नाम भ्रांति दर्शन अभावे आत्म व्यतिरिक्त बाह्यार्थ उपलब्धते, ठीक है ना, क्योंकि ये दिखाई पड़ते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में चाहे वो जागृत सुषुप्ति क्यों ना हो, जागृत का यदि सुषुप्ति बना देंगे तब भी अपने मुक्त अवस्था समाहित मुक्ता नाम भ्रांति दर्शन ध्यान भ्रांति दर्शन अभावे सुषुप्त पुरुष का भी भ्रांति दर्शन नहीं होता, समाहित पुरुष के भ्रांति दर्शन नहीं होता और मुक्त पुरुष को भ्रांति भी नहीं किया, अभावे आत्म व्यतिरिक्त अपने से भिन्न करके बाह्य अर्थ न उपलब्ध है, देखा पहले से आ रहे हैं वो बाह्य उपलब्ध होते ही नहीं है, उसको पहले दिखाई देता था नहीं देता, वो तो हो सकता है पहले दिखाई दे परंतु क्योंकि एक उन्माद व्यक्ति को जैसा दिखाई पड़ता है उसका उन्माद तो निकल गया, वो दोबारा उस चीज को नहीं दिखेगा। अभिप्राय से बोल रहे हैं अभी किसी को लेकिन टीका कर क्या लिखते हैं, देह अभिमान बाह्यार्थ प्रतिभान द्रव्य अद्वैत दर्शन प्रतिभान अप्रत्युहम प्राप्त आशंका आह। देखो भाई ये टीकाकार का प्रयोग मतलब शरीर में अभिमान रखने वाले व्यक्ति यानी पुरुष को तो शरीर होता है, इसीलिए बोलते हैं देह अभिमान मतलब बाह्यार्थ प्रतिमान द्रव्या, शरीर में अभिमान रखने वाले व्यक्ति को बाहरी अर्थ निश्चित दिखाई देगा, बाहरी अर्थ तो अपना शरीर दिखाई देगा, अपना शरीर दिखाई देगा व्यवहार भी करेगा, इसलिए देहाभिमान
बाह्य तो प्रतिमान द्रव्य शरीर रक्षा करने के लिए बाहरी वस्तु और अपना शरीर के बाहरी वस्तु दिखाई देना चीज दिखाई देना अद्वैत दर्शिनोपी मतलब अभेद देखने वाले पुरुष को भी तत् प्रतिभान मतलब शरीर के प्रतिभान अप्रतिबंध मतलब वो प्रतिबंधित नहीं होता वो उसको भी दिखाई देते अप्रतुल प्राप्त प्राप्त होता है यदि आशंका ऐसा जो शंका करते हैं उसको उत्तर में बोलते हैं एक पागल व्यक्ति तो मतलब एक शराब पिया हुआ व्यक्ति सारा संसार स्वस्थ सावर शराब पिया वो ही देखते हैं परंतु शराब पिया हुआ नहीं व्यक्ति को शराब जैसा नहीं दिखाई देता संसार देह अभिमान जो प्रतिमान द्रव्य शरीर में अभिमान रखने वाला ज्ञानी पुरुष का शरीर रहने पर भी शरीर में अभिमान नहीं रहता वो पागल बन चला जाता है इसलिए शरीर में ज्ञानी को ये नहीं देखेगा ज्ञानी को ये नहीं देखेगा ज्ञानी को शरीर दिखेगा परंतु सत्तत्व तो नहीं दिखेगा शरीर में ही ये बोध नहीं है शरीर अपने तरफ से चल रहा इसलिए पूर्ववादी तो यही शंका कर रहे हैं ज्ञानी को भी शरीर से क्रिया होते हुए दिखाई दे रहा है वो स्वस्थ हम भी जैसे करते हो वैसे करते हम भी खाते वो भी उसे खाते हैं तो हमारा दोनों का एक ही तो है भिन्न है नहीं इसलिए बोलते हैं पर देह अभिमान मतलब बाह्यार्थ प्रतिमान द्रव्य अद्वैत दर्शन हो देखिए ठीक है मन शरीर अद्वैत देखने पर भी तत् प्रतिमान अप्रतिबंध शरीर प्रतिमान मतलब द्वैत प्रतिमान अप्रतिबंधक रूप में रह जाएगा प्राप्त होता है आशंका शंका करने का उत्तर होता है चार नंबर टिप्पणी में मतलब मुक्त योग्यतया जीवन ग्राह्य तस्य व्यवहार वत्वा देह अभिमान कल्प्य तेन बाह्यार्थ मानव तत् अद्वैत दर्शन तस्मिन् भ्रांति अनाश्रय तत् अभाव अभानादिति व्यभिचरति संगते क्या बोलते हैं मुक्त योग्यतया जीवन ग्राह्य मतलब मुक्त पुरुष करने पर भी जीवित रहते जीवन धारण करने के लिए ग्रहण योग्य तस्य व्यवहार मतलब कि उस जीवन धारण करने के लिए जो व्यवहार है उस प्रकार व्यवहार है उसको भी दिखाई देते हैं कौन ज्ञानी पुरुष को दिखाई व्यवहार मतलब देह अभिमान कल्प्य इसलिए वहाँ भी देह अभिमान है ऐसा कल्पना करना पड़ेगा कहा जीवन मुक्त पुरुष में जीवन मुक्त पुरुष भी तो हमारी तरह खाते पीते हैं उठते बैठते हैं तो उसको भी देह अभिमान है ऐसा कल्पना करना कल्प्य कल्पना करना चाहिए तेना बाह्यार्थ का भान इसके कारण क्या हो जाएगा उसको भी बाह्यार्थ का भान होगा ये दाल है ये चावल है इसके बाह्यार्थ का भान होगा ठीक है ना तस्त तेना बाह्यार्थ भान तत् अद्वैत दर्शन जिसे अद्वैशिनी तस्मिन भ्रांति अनाश्रय अब यदि वो अद्वैत दर्शन दर्शी है तो तस्मिन भ्रांति अनाश्रय उस प्रकार की भ्रांति के आश्रय तत् अभावे परंतु अब उसको क्या हो जाएगा कि कुछ शरीर में सत्यत्व तो बुद्धि नहीं रहने के कारण अभाना इति व्यभिचरति इति शंकर वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे उसका अद्वैत दर्शन नहीं होगा अथवा भेद दर्शन नहीं होगा जिसका आपका शरीर अभिमान है उसका तो भेद दर्शन होगा जिसका शरीर अभिमान नहीं है उसका भेद दर्शन शंका करने वाले होते उसका भी होगा वहाँ पे व्यभिचार हो जाएगा यद्यपि उसका अद्वैत दर्शन है परंतु वहाँ पे व्यवहार में भेद दर्शन होगा व्यभिचार करेगा वहाँ पे ऐसा शंका करने वाले होते हैं ठीक है मुक्त योग्यतया जीवन ग्राह्य मुक्त पुरुष के योग्य रूप में जीवन धारण के लिए ग्रहण योग्य वस्तु तस्य व्यवहार वत्ता उस प्रकार वस्तु से व्यवहार वाला होने के कारण देह अभिमान कल्प्य उसमें भी देह अभिमान है ऐसा कल्पना करें तेना बाह्यार्थ भान इससे क्या लाभ है उनको बाहरी वस्तु के भान होता है तब तो अद्वैत इसके फलस्वरूप अद्वैत दर्शनी तस्मिन भ्रांति आप क्या बोलते हैं अद्वैत दर्शन में वो भेद दर्शन की भ्रांति नहीं है परंतु वहाँ पे क्या हो जाएगा व्यभिचार करेगा कभी कभी आगे बोलेंगे चराचरणी के तस्य यदि अद्वैच्छिक को वो कभी चरण के तन में भी रह सकते हैं कभी अचरण के तन में भी रह सकते हैं मतलब उसका ज्ञान पूरा रहता है और देखने वाले को समझ में नहीं आता इसलिए शंका करते हैं इसलिए बोलते हैं अद्वैत दर्शन तस्मिन भ्रांति अनाश्रय मतलब वो भ्रांति का आश्रय नहीं होने पर भी तब अभाव अभाना मतलब अद्वैत ज्ञान की क्या होगा कि आपको जो तब अभाव क्या बोला था कि भ्रांति अभावे द्वैत भान अभावा ये जो आपने बोला था तब अभाव अभाना जो बोल के आया था आपने वर्ष करती थी वो व्यभिचार करता है तद अभाव अभाना इसकी पंक्ति है ये भाषा की पंक्ति है टीका क्या अर्थ करते हैं भ्रांति अभावे बाह्यार्थ अभाना ठीक है और हमें क्या दिखाई पड़ता है भ्रांति तो नहीं है किंतु बाह्यार्थ तो दिखाई पड़ते हैं व्यभिचार कर रहे हैं व्यक्ति दिखे आपने जहाँ जहाँ भ्रांति की अभाव है वहाँ पे द्वैत दर्शन की अभाव है परंतु हमें क्या दिखाई दे रहा है भ्रांति की अभाव तो है परंतु द्वैत दर्शन का अभाव नहीं है व्यवहार करता है
इसलिए व्याख्या करते हैं। समझ में आया? यहाँ देखो, यह तत्व अद्वैत दर्शी जो भेद दर्शन नहीं देखने वाला, दशमीन भ्रांति अनाश्रय, उस भ्रांति का आश्रय नहीं होने पर भी ये जो आपने लिखा तत् अभाव अभाना तत् अभाव इति व्यभिचार थी, ये आपकी व्यक्ति व्यभिचार करता है। क्यों व्यभिचार करता है? वो अद्वैत दर्शी होते हुए भी भारी वस्तु से व्यवहार करता है, व्यवहार द्वैत भी होते हैं, इसलिए आपको ये व्यभिचार करेगा। ऐसा करके शंका करने वाले बोलने पर तो उसका उत्तर दे रहे हैं। आया शंका समझ में? तब इसको उत्तर समझ में आएगा। ये हम बोलते हैं कि देह अभिमान चार नंबर के बने में हो गया, पांच नंबर अप्रत्यूयम, अप्रत्यूयम मतलब बाध शून्यम, वो बाधित नहीं होता, वो बाधित नहीं होता, अबाधित रहता है। अप्रत्यूयम अबाधितम, तो बाधित नहीं होता। क्या चाहे आपका भ्रांति दर्शन नहीं है, बस द्वैत प्रपंच बाधित नहीं होता ये, ठीक है ना? आप देखिए क्या होता है कि ज्ञान एक अंध व्यक्ति विरल व्यक्ति का होता है और सामान्य अज्ञानी रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो भेद प्रपंच दिखाई दिखाई देगा और लोग ऐसे सोचते हैं जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी ऐसे व्यवहार करते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे भेद दृष्टि, ठीक है, अद्वैत दर्शन है परंतु बाहरी वस्तु उसके लिए रह जाएगा। ये बाह्यंथवादी को ऐसे ही मानना है, ये पैंडा जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा था, सुबह जब आपका शराब की धूम निकल जाता है तो वस्तु ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? आपको व्यवहार वैसा होने पर भी वो हटेगा चले वैसे, परंतु उसका भाव पुस्तका की भाव नहीं रहते होता है, नहीं उन्मत तो अवगतम, उन्मत तो उन्मत व्यक्ति के द्वारा समझ में आता है जो वस्तु, अनुन्मत कभी जो उन्मत तो नहीं है उसके द्वारा वैसे ही वस्तु दिखेगा, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये होता है, ये हो गया। फिर आगे बाह्यार्थ समर्थन अर्थ उक्तम अर्थापत्ति द्वयम कथम निरसनीय इति आशंका, जो अर्थापत्ति दिया था ना, क्या बोलता है कि बाह्य अर्थ बिना तत्र वैचित्र मान संकेत दूसरा दूसरा है दो दो दिए थे और है मतलब संक्लेश संक्लेश के अर्थ अपन वो बोलते हैं जो बाह्य अर्थ समर्थन अर्थ बाह्य अर्थ को समर्थन करने के लिए उक्तम अर्थापत्ति ने जो दो अर्थापत्ति को हमने दिया था कथम निरसनीय वो निरसन कैसे होगा यदि ऐसे शंका करते बोलते ए तेना दयादर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च प्रत्युक्ता भगवान भाष्यकार बोले इसी से उसका उत्तर हो जाता है और समझ में नहीं आना तो आनंद गिरी समझाएंगे। देखिए तत्व दर्शिनाम स्फुरण अतिरिक्त वस्तु अनुपलम्ब प्रदर्शन 48 हो गई क्योंकि बीच में इतना छोटे से लाभ नहीं है छोटा सा रहेगा। तत्वदर्शिनाम स्फुरण अतिरिक्त वस्तु पुरुषों के लिए स्फुरण अतिरिक्त स्फुरण मतलब उनके सिद्धांत में विज्ञान विज्ञान अतिरिक्त वस्तु अनुपलम्ब विज्ञान से भिन्न का कोई वस्तु नहीं है इसको दिखाने के द्वारा वैचित्र दर्शन विचित्रता की ज्ञान विचित्र ज्ञान को उत्पन्न होना और दुख की उपलब्धि होते ये भी प्रत्युक्ता इसका उत्तर हो जाता है। क्यों तेन अनुपबद्धम अनुपबद्धम अनर्थापत्ति द्वेश अनुपबद्धम मान तेन अनुपबद्ध मान अर्थापत्ति द्वयस्य अनुत्थान इसीलिए अयुक्तिक अर्थापत्ति का उत्थान यहाँ पे नहीं हो सकता। तेन अनुपबद्धमान अर्थापत्ति द्वयस्य अनुत्थान व्यवहार दृष्टा तो पूर्व भ्रम समारोपित स्वप्न स्वप्न स्वप्नवत एव संवेदने वैचित्र्यं दुःखं च व्यवहार अंगम इति अन्यथा अपि उपपत्ति इति अर्थ। यहाँ पे जो है लास्ट लाइन में यहाँ पे क्या बोला इधर 21 25 वहाँ पे क्या बोलते हैं वैचित्र दुख व्यवहार दृष्टा तो व्यवहार दृष्टा तो पूर्व भ्रम समारोपित स्वप्नवत उसको उल्टा कर लीजिए यहाँ पे स्वप्न देव लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे स्वप्न देव देव हाँ स्वप्नवत देव स्वप्न बद एवं मतलब एक यहाँ पे क्या स्वप्न और देव बकर चाहिए
व्योमर्त्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते।